पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खासा चर्चाओं में रहा। सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनका स्वागत किए जाने का पोस्टर शहर में जैसे ही लगा, उनकी राजनीतिक महकमे में हलचल भी शुरू हो गई। इस पोस्टर से साफ हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि हाल ही में 24 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सेवा करने में अपनी भूमिका समर्पित किए जाने की एक पोस्ट भी की थी। वहीं इस पोस्टर पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये पोस्टर उनकी तरफ से नहीं लगाया गया। अभी इस तरह की कोई हमारे पास खबर नहीं है और हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। पार्टी मुरादाबाद से जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी, हम उसको लड़ाएंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई रॉबर्ट वाड्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी मांग तो ये थी संगठन से कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, मगर इस तरह की किसी तरह की कोई भी खबर नहीं है कि यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो शायद कांग्रेस के खिलाफ शायद कुछ लोग हैं जो कि पार्टी कंडक्ट की जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी ये साजिश है कि किसी ऐसे कैंडिडेट को आप जो है शो करते मुरादाबाद में, जो कि दूसरा कैंडिडेट आने में दिक्कत है। तो नीचे लिखा युवा कार्यकर्ता। नहीं, जो भी हैं ये लोग शायद पार्टी का बुरा चाहते हैं, जो लोग ऐसी हरकतें कर रखे हैं। और मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ कि जब तक पार्टी कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं करती है, जब तक ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के यहां से चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। बता दें कि ये पोस्टर मुरादाबाद युवा कांग्रेस के हवाले से लगाया गया, जबकि युवा कांग्रेस ने ऐसे किसी भी पोस्टर को लगाए जाने से इनकार किया है। मैं क्योंकि मार गया वो था, मुझे सूचना पत्रकार महोदय के माध्यम से आपके माध्यम से मिली। बहरहाल मैं तो सिर्फ इस बारे में इतनी बात करना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस के अंदर हर कार्यकर्ता को, हर पार्टी के आदमी को, हर जने को ये लोकतंत्र की व्यवस्था है अपनी बात रखने की, हमारी और किसी अन्य पार्टी की तरह नहीं कि किसी के एक ही का नाम लिया जाए। ये हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज़ादी है कि किसी का भी नाम ले सकता है। बहरहाल हमें तो, क्योंकि मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लेगा वो हमें स्वीकार होगा, और जिसे पार्टी टिकट देगी उसे पूरी कांग्रेस मन से लड़ाएगी। मैंने अभी आपसे वही सवाल पर कहा, आपको मैंने कहा कि हमारे पार्टी के अंदर हर सब जनों को आज़ादी है, अपनी अपनी बात वो रख सकता है। किसी की अलग राय है, किसी की अलग राय है, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, लेकिन ये तय करना और ये फैसला लेना पार्टी हाईकमान को लेना है। पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो भी किसी को टिकट देगा, हम कार्यकर्ता उसे तन मन धन तीनों चीज़ों लाएंगे। मुरादाबाद की सड़कों पर लगे रॉबर्ट वाड्रा के होर्डिंगों से मुरादाबाद मंडल की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सुबह शहर के मुख्य चौराहों पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के होर्डिंग लगे होने से राजनीति गांधी परिवार की आमद का एहसास मुरादाबाद वासियों को जरूर करा दिया है। ये होर्डिंग मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 24 से लेकर शहर के सभी मुख्य चौराहों पर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यूथ कांग्रेस मुरादाबाद ने रॉबर्ट वाड्रा के सामने मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है, और निवेदक में भी युवक कांग्रेस मुरादाबाद ही लिखा गया है। ये होर्डिंग लगने के बाद यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी से इस बारे में बात की गई तो वो बचाव करते हुए बोले कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के डेकोरम को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने तो प्रियंका गांधी से मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की भी अपील की थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अंदाज में अपनी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। तो वहीं मुरादाबाद में आज नेशनल हाईवे पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगने से सरगर्मी तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में गर्माहट भी पैदा हो गई है। मुरादाबाद की सड़कों पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो पोस्टर है जहाँ पर कांग्रेस के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्हें आमंत्रित किया है। देखना होगा कि मुरादाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो पेशकश की गई है, इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कितना बड़ा एक्शन लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर कहें कि मुरादाबाद में जिस तरह से सड़कों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, सीधे तौर पर सरगर्मी
तेज नजर आ रही है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अभी ये सिर्फ एक विपक्ष की साजिश है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक ऐसा नाम है जिस पर अनेकों जांचें चल रही है और उन जांचों के अलावा अभी उन्हें इस फुर्सत भी नहीं है कि वो चुनाव की ओर ध्यान भी दे सकें, क्योंकि मुरादाबाद में इससे पहले प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से सरगर्मी तेज हुई है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे योगी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ने भी मुरादाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा के होर्डिंग्स पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तो परिवार की पार्टी है, उनमें कोई जमानत पर है तो किसी से पूछताछ चल रही है। योगी के मंत्री मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कांग्रेस को मांग करने की जरूरत क्या है, कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, पूरी पार्टी एक परिवार में समाहित है और अंतिम युद्ध वो लोग लड़ रहे हैं अपने जीवन का मोदी जी के सामने, और इसलिए हर परिवार के सदस्य को, और कोई जमानत पर छूटा हुआ कोई जमानत के लाइन पर है, भ्रष्टाचार को सर पर ढोते हुए वो लोग लड़ने के लिए अगर आतुर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई भी पोस्टर लगाए कोई भी लड़े मोदी जी के सामने सब गायब हो जाएंगे।